ये क्वेश्चन एक डिफ्रेंशिएशन का, टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपान रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स, इसका हमको अवकलन एंड डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपान रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स। हम यहाँ एक्स स्क्वायर टू कॉस थीटा वैल्यू हम पुट करेंगे, लिख सकते हैं माना एक्स स्क्वायर टू टेन थीटा, इसका लिख सकते हैं हम थीटा स्क्वायर टू टेन इनवर्स, जब टेन इधर आएगा तो इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ हम एक्स के सामने टेन थीटा, सॉरी यहाँ हमको कॉस थीटा वैल्यू को रखना है, ना कि टेन थीटा, हो जाएगा कॉस थीटा और हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ये यहाँ रखेंगे हम एक्स के स्थान वैल्यू कॉस थीटा रखेंगे तो हो जाएगा वाई इक्वल टू टेन इनवर्स रूट वन प्लस कॉस थीटा माइनस रूट वन माइनस कॉस थीटा अपॉन रूट वन प्लस कॉस थीटा प्लस रूट वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और वन माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। हो जाएगी यहाँ पास टेन इनवर्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू पाँच टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस रूट टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये फार्मूला ही होता है, इसको लिख सकते हैं सिंस वन प्लस कॉस एक्स बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसी प्रकार वन माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इस फॉर्मूले से हमने यहाँ कन्वर्ट किया है और यहाँ से दो को जब बाहर लगे तो रूट टू में कन्वर्ट हो जाएगी, हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स रूट टू थी हो जाएगा, जब इसका रूट हटाएंगे तो पहले हो जाएगी कॉस थीटा बाई टू, रूट टू को इसमें से कॉमन करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा बाई टू, यहाँ से भी रूट टू, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, रूट टू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी आंसर में कॉस थीटा बाई टू से डिवाइड से भाग कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पास ये कॉस थीटा बाई यहाँ से इसका वन हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो, और इसमें हो जाएगा साइन थीटा अपॉन टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, यानी हो जाएगा टेन थीटा बाई टू। यहाँ से भी हो जाएगा वन, ये साइन थीटा बाई टू अपन कॉस थीटा बाई टू, यानी हो जाएगा वन प्लस टेन थीटा बाई टू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू को टेन इनवर्स या ये टेन फोर्टी फाइव डिग्री लिख सकते हैं इसको हम माइनस टेन थर्टी
थीटा अपॉन टू, इसको लिख सकते हैं वन प्लस टेन 45 डिग्री, क्योंकि टेन 45 डिग्री वन होती है। ये हो जाएगा टेन इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं फार्मूले के रूप में। इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पास, ये होता है टेन फोर्टी फाइव को हम पाई बाई फोर भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ये तो यहाँ से ये टेन कैंसिल होकर यहाँ बचेगा पाई अपॉन फोर माइनस थीटा बाई टू। यानी इसमें देख सकते हैं फार्मूला जिसका होता है, फार्मूला होता है यहाँ पास टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम। ये हो जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर यानी 45 टेन थीटा। तो इस प्रकार से उसकी वैल्यू को हमको कन्वर्ट करना है। अब इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, ये जाएगा y इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, लिखेंगे दोनों पक्षों का, क्योंकि थीटा दिया तो थीटा के सापेक्ष इसका हमको अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ थीटा की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमने ये जो वैल्यू यहाँ माना था x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x, पर वैल्यू कन्वर्ट करेंगे तो वही आएगा y इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन टू। तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों का x सापेक्ष अवकलन करने पर यानी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड ऑफ गिवन फंक्शन से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स पाई बाई फोर माइनस डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ये कांस्टेंट इसका जो डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स होता है माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस से कैंसिल होती है, बचेगा यहाँ पास वन अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये दिए गए फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा।